हैं। तो मेरा डाउट है, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने हर एक क्लास में बोला है जिन बच्चों को बुक नहीं मिलती है, जिन बच्चों को बुक अभी तक नहीं मिली है वे बच्चे क्या करेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको होमवर्क देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक है। और जिन बच्चों को अभी तक बुक नहीं मिला है उनको बहुत ही जल्द बुक मिल जाएगा, जिन बच्चों को अभी तक बुक नहीं मिला है उनको बहुत ही जल्द बुक मिल जाएगा ठीक है। तब तक लिए आपको क्या करना है, मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, उसका क्या करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट की सहायता से आपको होमवर्क बनाना है ठीक है। मैं हर एक क्लास में ये बात रिपीट करता हूँ कि आपको अभी होमवर्क कैसे बनाना है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको मैं जो भी होमवर्क देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट से आपको होमवर्क बनाना है ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए, मैं हर एक क्लास में रिपीट करता हूँ कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तभी आप कमेंट का यूज किया कीजिए ओके। चलिए बहुत बढ़िया ठीक है, चलिए और हम लोग 10 सेकेंड वेट करते हैं, 10 सेकेंड वेट करते हैं ताकि सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं। देखिए अभी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं ठीक है, 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं, 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं। हाँ अभी बहुत बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं ठीक है, चलिए 5:35 तक वेट करते हैं, अभी बहुत बच्चे अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं ठीक है। उससे जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आप लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन हो सकते हैं, तो बहुत बच्चे आज 5 मिनट पहले ज्वाइन हो गए थे, बहुत बढ़िया। आपको ऐसे ही हमेशा 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाना है और कोई भी डाउट होता है पिछले क्लास से रिलेटेड तो आपको क्या करना है, पहले ही हमसे पूछ लेना है ठीक है। चलिए ओके, अभी भी बहुत बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं ठीक है। चलिए अब बहुत बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कक्षा 9वीं की ज्यामिति पढ़ रहे हैं ठीक है। तो आज भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है आज पहली बार क्लास में आए हैं, जिन्होंने मुझे बताया पहले ही क्लास के पहले ही कि वो आज पहली बार क्लास कर रहे हैं ठीक है। तो उन बच्चों को थोड़ा बहुत चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों को तो चैट सेक्शन के बारे में पता चल गया है, लेकिन कुछ बच्चों को चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता है अभी भी। तो उनके लिए क्या करते हैं, एक बार चैट सेक्शन और पोल सेक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ ठीक है। और जिन बच्चों को पता है वो बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे देखेंगे कैसे करना है ठीक है। चलिए तो देखिए सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा, पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन में कॉर्नर में आपको ये 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जिन जिन बच्चों को अभी भी चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता है वे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सभी के स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पे आपको कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस 3 बिंदु पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। इस 2 नंबर वाली स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन आएगा इन कॉल मैसेज का, क्या ऑप्शन आएगा, इन कॉल मैसेज का। तो सभी बच्चे इन कॉल मैसेज में आंसर देंगे कि क्या आपके पास SRN है, क्या आपके पास SRN है, क्या आपको SRN नंबर पता है, अगर आपको पता है तो Y लिखेंगे सभी बच्चे, अगर आपको नहीं पता है तो N लिखेंगे ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या आपको SRN नंबर पता है, अगर आपको SRN नंबर पता है तो आप Y लिखेंगे, अगर नहीं पता है तो N लिखेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए थे उनको क्या करना है, अपना डाउट कैसे पूछना है, तुमको अपना डाउट चैट सेक्शन के माध्यम से पूछना है, इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है। कैसे पूछना है तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन है, ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन के कॉर्नर में आपको ये 3 बिंदु दिख रही होंगी, इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको ये दूसरा नंबर वाला स्क्रीन दिखने लगेगा, और दूसरा नंबर वाला स्क्रीन में ये देखिए यहाँ पे आपको इन कॉल मैसेज में जाकर यहाँ पे आपको अपना डाउट पूछना है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको SRN नंबर पता है ठीक है, तो चलिए ऐसे तो आपको अपना डाउट पूछना है ठीक है। जिन बच्चों को अभी भी डाउट था कि उनको माइक ऑन नहीं करना है तो कैसे वो अपना डाउट पूछेंगे, तो उनको अपना डाउट इन कॉल मैसेज में जाकर पूछना है ठीक है। अगर मुझे कोई भी डाउट होगा, अगर मुझे भी कोई भी प्रश्न पूछना होगा आपसे, क्वेश्चन पूछना होगा आपसे, तो मैं कैसे पूछूंगा, तो मैं आपसे क्वेश्चन जो है पोल के माध्यम से पूछूंगा, किसके माध्यम से पूछूंगा, पोल के माध्यम से ठीक है। अब पोल क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे कॉर्नर में आपको देखिए 3 बिंदुएं दिख रही हैं। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको ये दूसरा नंबर वाला स्क्रीन दिखने लगेगा। इस स्क्रीन पे आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, सभी बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप एक्टिविटीज पे हेलो क्लिक कीजिएगा
आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा पोल सेक्शन का, किसका ऑप्शन आ रहा होगा पोल सेक्शन का, ठीक है। सभी बच्चे इस पोल सेक्शन पर जाएंगे, और जैसे आप इस पोल सेक्शन पर जाइएगा, जैसे आप इस पोल सेक्शन पर जाइएगा तो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर आपको एसआरएन नंबर, अगर आपको एसआरएन नंबर पता है, एसआरएन नंबर, तो देखिए वहां पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है हाँ का, एक ऑप्शन है नहीं का। तो अगर आपको एसआरएन नंबर पता है तो हाँ वाले पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं पता है तो नहीं वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा वोट देने का, यहाँ से आप वोट दीजिए। सारे सारे बच्चे करेंगे, सारे सारे बच्चे करेंगे, सारे सारे बच्चे देंगे वोट देंगे, सारे सारे बच्चे, सारे सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको एस आर नंबर पता है, अगर आपको एस आर नंबर पता अब है तो आप हाँ वाले पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपको एस आर नंबर पता है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा। किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वे बच्चे चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेंगे, वे बच्चे अपना चैट बॉक्स में डाउट पूछेंगे। किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट है, वे बच्चे अपना चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेंगे। माइक ऑन नहीं करना है, किसी भी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो हैं, अधिकतर बच्चों ने पोल में आंसर दिया है कि उनको एसआरएन नंबर पता है। चलिए और मैं 10 सेकेंड का टाइम लेता हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे एसआरएन नंबर भर पाए। कैसे आपको देखना है पोल सेक्शन कैसे आता है? तो सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में नहीं रिप्लाई रिप्लाई करेगा, सारे के सारे बच्चे, हाँ ठीक है जिन बच्चों ने कर दिया ठीक है, सारे सारे बच्चे पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तभी आप माइक ऑन कीजिए, सॉरी कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है चैट सेक्शन जाकर पूछिए, चैट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए 10 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूँ, 10 सेकंड के अंदर आपको क्या करना है वो पोल सेक्शन भरना है। पोल सेक्शन क्या है मैं फिर से बताता हूँ, उसमें आपको अगर एसआरएन नंबर पता है तो हाँ पे क्लिक करना है, अगर एसआरएन नंबर नहीं पता है तो नहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए अब पोल सेक्शन कैसे आता है मैं फिर से बताता हूँ। सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे आपको ये कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको ये दूसरा नंबर वाला स्क्रीन दिखने लगेगा। जैसे आप ये दूसरा नंबर वाला स्क्रीन पे जाइएगा आपको ये नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पोल का ऑप्शन आएगा, इस पोल पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा एसआरएन नंबर। अब ये क्या है? तो अगर आपको एसआरएन नंबर पता है तो आपको दो ऑप्शन आएगा, एक हाँ का एक आएगा ना का। तो आपको अगर पता है तो हाँ वाले पे क्लिक कीजिए, नहीं पता है तो नहीं वाले पे क्लिक कीजिए, सारे सारे बच्चे करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यानी सभी बच्चों को पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया हुआ था उसको कितने बच्चों ने बनाया है और कितने बच्चों को कोई कहीं ना कहीं डाउट आया है, ठीक है। तो इसको डिस्कस कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा या वाई टाइप कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो वाई लिखिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं लिखना है। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो ये आइदर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है या तो वाई लिखना है, अगर कोई डाउट नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न वाली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट होगा तो वाई लिखना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट होगा तभी वाई लिखना है, आइदर कोई कुछ नहीं लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा डाउट है ठीक है ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है भुजाएं, मैंने क्या बोला था, भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है तो वे रेखाखंड उस आकृति की भुजाएं कहलाती हैं। तो देखिए इस आकृति क्या है, ये एक्स वाई और वाई जेड, इस आकृति क्या है, इस आकृति की भुजाएं हैं। तो एक्स वाई और वाई जेड क्या हो गया, इस आकृति की भुजाएं हो गई। और यहाँ पे कोण क्या है, तो कोण तो आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, मतलब ये वाला क्या हो गया आपका कोण हो गया, हो गया समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, चलिए भुजाएं। देखिए भुजाएं में फिर से बताता हूँ क्या होता है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वे रेखाखंड क्या कहलाते हैं, वे रेखाखंड आपके भुजा कहलाते हैं। तो देखिए अच्छा 4 में है, देखिए मैंने पहले 3 कर दूं, देखिए ये हो गया आपका आर एस, एक भुजा हो गया आपका आर एस,
एक कौन सा भुजा, एक भुजा आपका टी एस, एक भुजा आपका टी एस हो गया। कौन सा हो गया, कोण हो गया टी एस आर, क्या हो गया कोण टी एस आर। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं उल्टा आर एस टी, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आर एस टी, दोनों जो है दोनों सेम है। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा को क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाउट है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें हम लोग क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन बोला है नीचे दी गई आकृति में कोण का मान ज्ञात करें, नीचे दी गई आकृति में कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए तो पहला कोण आपको दिख रहा होगा, देखिए पहला कोण आपका दिख क्या दिख रहा है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है, और दूसरा एक कोण दिख रहा है आपको ये 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा जो बड़ा वाला होता है बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस करते हैं। एक कोण क्या है, एक कोण आपके पास 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। दूसरा कोण क्या है, 0 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 0 डिग्री कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो अधिकतर बच्चों ने बना लिया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब एक बच्चा का भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में भी, उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं क्या डाउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि आपको एंगल एओबी का मान निकालना है, एओबी का, तो देखते हैं इसमें। हाँ जिन बच्चों को डाउट हुए बच्चे देखेंगे ध्यान से। देखिए पहला कोण आपका, देखिए पहला कोण क्या है आपका, पहला कोण जो है आपका यहां से लेकर यहां तक कितना है, 40 डिग्री। लेकिन दूसरा कोण इसमें क्या है, दूसरा कोण यहां से लेकर यहां तक है, देख सकते हैं 90 डिग्री। तो ये जो बड़ा वाला कोण होता है, देखिए बड़ा वाला कोण कौन सा है, 90 डिग्री, माइनस छोटा वाला कोण -40 डिग्री, तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। अब सारे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो सारे बच्चे वाई लिखेंगे, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो सारे के सारे बच्चे वाई लिखेंगे। आ गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी तरह देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप उसी तरह कर सकते हैं 4.2 का। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वाई लिखना है। चलिए पर्सनली 4.2 का, पर्सनली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, अगर डाउट होगा तो 1 लिखना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अगर डाउट होगा तो 1 2 लिखना है, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं लिखना। अच्छा डाउट है, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्यों है, चलिए मैं बताता हूँ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्यों है। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ ये हो गया बड़ा। हाँ देखिए अब देखिए इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्यों है मैं बताता हूँ, वेट ए मिनट। हाँ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कोण है, ये यहाँ पे जो कोण है चांद की विपरीत दिशा से कोण मेजर किया गया है। किस दिशा से, विपरीत दिशा से, मतलब विपरीत दिशा मतलब क्या होता है, जनरली जो बच्चे होते हैं चांद का यूज कहाँ से करते हैं, ये दाहिना तरफ से करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोण कैसे दिया गया है, यहाँ पे आपको कोण जो दिया गया है, यहाँ पे कोण आपको बाएं तरफ से दिया गया, किस तरफ से दिया गया, बाएं तरफ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो जब यहां से यहां तक गए होंगे तो देखिए ये हो गया आपका कितना डिग्री, 145 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, 145 डिग्री। ठीक है, फिर अब यहां से यहां तक जब जाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। यानी अगर अभी इसको अगर बनाना होगा तो कितना डिग्री है, कोण ए ओ भी कितना डिग्री हो जाएगा, 145 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना आ जाएगा, तो 20 डिग्री आ जाएगा। बहुत बच्चों ने बना लिया था। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा अभी कि कितना डिग्री का ये कोण है। तो ए ओ बी लिखिए, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं बी ओ ए। ठीक है, आप अगर इसको ए ओ बी ऐसे भी बोल सकते हैं या बी ओ ए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी सारे बच्चों को ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, और पिछले क्लास में आपका ये होमवर्क था। ठीक है, और मैंने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा दिया वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको पूरक संपूरक कोण बता दिया है, पूरक और संपूरक कोण बता दिया है, कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये होता क्या है मैंने बताया था पिछले क्लास में भी आपको। देखिए पूरक कोण जब दो कोणों का, जैसे मान लेते एक कोण है ए डिग्री दूसरा कोण है बी डिग्री, जब दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है तो ये क्या कहलाता है, ये आपका पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, लेकिन वही जब दो कोणों का मान, वही जब दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो ये क्या कहलाता है, ये आपका संपूरक कोण कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ रखा है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो सारे बच्चे वाई लिखेंगे,
सारे बच्चे वाई लिखेंगे और सभी बच्चे रेगुलर बेसिस पे हमेशा होमवर्क बना के आया कीजिए, क्योंकि अब जब तक आप होमवर्क नहीं बनाइएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने कौन कौन सा कंसेप्ट पढ़ रखा है। ठीक है, यानी यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। चलिए, यानी यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो सारे के सारे बच्चे के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कोर एक और कोर टू पूरा कोर है, तो यदि कोर एक का मान जो है 59 डिग्री है, 59 डिग्री है, तो कोण टू का मान ज्ञात कीजिए। कहाँ आंसर देना है आपको, आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। आपको आंसर कहाँ देना है, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे सारे बच्चे देंगे, सारे सारे बच्चे आंसर देंगे। आंसर कहाँ देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला है। कोर वन और कोर टू क्या है, पूरा कोर है। पूरा कोर कहने का मतलब कि कोर वन प्लस कोर टू को जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही पूरा कोर कहते हैं ना। चलिए, जहां पे कोर वन का मान, देखिए यहाँ पे कोर वन का मान दिया कितना, कोर वन का मान दिया 59 डिग्री, यानी देखिए कोर वन का मान दे दिया आपको 59 डिग्री, तो आपको यहाँ पे कोर टू का मान निकालना है कितना होगा। तो सारे बच्चों को अभी समझ में आ गया होगा कि कोर टू का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 59 डिग्री में जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए। कोण टू का वो कौन सा मान होगा जिसको 59 डिग्री में जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाएगा। सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी के सभी बच्चे करेंगे, कोण टू का मान कौन सा ऐसा होगा जिसको 59 डिग्री में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी। चलिए मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, सारे सारे बच्चे करेंगे। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, सारे सारे बच्चे करेंगे। सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, उल्टी गिनती हम लोग स्टार्ट किया जाए। चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, 10, 9, 8, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में क्वेश्चन क्या, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, क्वेश्चन है कोण एक और कोण टू क्या है, पूरा कोर है, यदि कोण एक बराबर दिया है 59 डिग्री तो कोण टू का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, पूरा कोर क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, जिसमें एक कोण दे दिया आपको 59 डिग्री, तो दूसरा कोर कौन सा ऐसा लीजिएगा जिसको 59 डिग्री में जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कहाँ पे थे हम, सारे बच्चे आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में, और हम थे 8 पे। ठीक है, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए जल्दी से जल्दी सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, जहां तक मैं देख पाऊँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पूरा कोर क्या होता है, पूरा कोर होता है जिनका दो कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो दो ऐसा ऑप्शन दिया है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा ही है, यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। अब आती है बात कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कौन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए कोर वन प्लस कोर टू बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, जहां पे कोर वन का मान कितना दिया है, कोर वन का मान दे दिया आपको 59 डिग्री, तो क्या करते हैं ऑप्शन वन को पुट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन वन को पुट करेंगे तो 49 डिग्री, तो देखते हैं इसको जोड़ते हैं कितना गया, 9, 9, 18, अब 5, 4, 9, 1, 10, तो ये हो गया 108 डिग्री, जो कि 90 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन सी पे, तो देखिए ए हो गया आपका 59 डिग्री और सी क्या हो जाएगा आपका 31 डिग्री। अब इसको देखते हैं जोड़ के क्या होता है कि नहीं, इसको जोड़ेंगे कुछ तो देखिए ये हो नहीं, जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी जब ये 90 डिग्री हो गया, यानी इसका मतलब कि दूसरा कोर कौन सा हो जाएगा, दूसरा कोर आपका 31 डिग्री होगा। ठीक है, तो 99% बच्चों ने आंसर जो है सही दिया था, 99% बच्चों ने आंसर जो है सही दिया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो चलिए अगर यहां तक अगर आपको सारी चीजें, अगर यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है वाई। ठीक है, यहां तक अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है वाई। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे, हाँ जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आसान मतलब कि टॉपिक है। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे जो बच्चे हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे,
सारे सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे, मैं क्या करता हूँ आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ ताकि सारे सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या किया, चैट बॉक्स ऑफ कर दिया ताकि सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है आपका शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, कंसेप्ट क्या है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब इसमें क्या देखना है हमको, ये होता क्या है, चल देखते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, एक टर्म दिख रहा होगा, कौन सा टर्म है, ये आपका है अपोजिट। देखिए अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, अपोजिट मतलब होता है विपरीत, विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, इसका हम लोग यूज करने वाले, इसका हम लोग उपयोग करने वाले हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, फिर हम लोग इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब दो रेखाएं, जैसे यहाँ पे भी आपको दो रेखा दिख रहा है, जब दो रेखाएं, देखिए एक रेखा ये हो गया आपका, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो टोटल कितना कोण बनता है, कुल कितना कोण बनता है, तो कुल चार कोण बनता है। जैसे कि एक कोण ये बन गया, 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 यानी कभी भी अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कितना कोण बनता है, चार कोण बनता है। तो ठीक है, चार कोण बन गया, इससे हमको क्या करना है, तो चलिए इससे हमको क्या करना है वो हम लोग सीख लेते हैं। जब भी चार कोण बनता है तो उस कोण में, देखिए इस प्रकार के कोण में आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे, सभी के सभी बच्चे बताएंगे, चलिए मैं आपके लिए चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ, सभी बच्चे बताएंगे कि कोण एक का उल्टा कोण कौन सा है, इसके विपरीत दिशा में कौन है, कोण एक का उल्टा कोण कौन सा है, मतलब इसकी विपरीत दिशा में कौन है, इसके सामने वाला कौन है, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, सभी बच्चे बताएंगे कोण एक का विपरीत दिशा में कौन है, मतलब इसके सामने वाला कोण कौन सा है। हाँ थ्री है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोण एक का जो है सामने वाला कोण कौन सा है, इसका सामने वाला कोण थ्री है, यानी कोण एक किसके बराबर होता है, कोण एक थ्री के बराबर होता है। उसी तरह सारे सारे बच्चे ये बताएंगे कि कोण टू का सामने वाला, मतलब इसके विपरीत दिशा में कौन सा कोण होगा, कोण टू का कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, कोण टू का होगा कोण फोर, कोण टू का क्या होगा कोण फोर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, जब वो बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो कुल चार कोण बनते हैं, उस कोण में से जो भी आमने सामने के कोण होते हैं वे क्या होते हैं, वे बराबर होते हैं, वे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या इसका साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने की, मतलब कोण एक किसके बराबर होता है, कोण थ्री के, कोण टू किसके बराबर होगा कोण फोर के। ठीक है, कोण टू किसके बराबर होगा कोण फोर के। ठीक है, चलिए अगर आपको ये शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, अगर आपको ये शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे, सारे सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको ये शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनता है, चार कोण कौन कौन सा बनता है, जिसमें कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जब वो बराबर होते हैं तो उसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं आया तो उनको मैं एक बार रिपीट करके बता भी दिया कि जब भी दो रेखाएं, देखिए यहाँ पे दो रेखाएं था, ये एक ये रेखा हो गया, जैसे कि मैंने पिछले बताया था, एक रेखा ये हो गया है, एक रेखा ये हो गया, जब भी दो रेखा एक दूसरे को कट करती हैं तो चार कोण बनता है, जैसे एक दो तीन चार कोण बन गया, इसमें से एक के सामने वाला क्या है थ्री, इसके बराबर हो गया, दो कोण के बराबर कौन सा है चार कोण, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया,
अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, सारे सारे बच्चे देंगे आंसर पोल सेक्शन जाकर देंगे, सारे सारे बच्चे का आंसर देंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में नहीं लिखे, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। रुकिए, सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है, और वो अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, क्या कोण ए तथा कोण बी शीर्षाभिमुख कोण है? तो मैंने बताया है कि आमने सामने वाले ही कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने वाले ही कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो सभी बच्चों को ये देखना है कि कोण बी के सामने वाला कोण ए है या कोण ए के सामने वाला कोण बी है क्या, तभी वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अगर होंगे तो वो शीर्षाभिमुख कहलाएंगे, अगर नहीं होंगे तो वो शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहलाएंगे। सारे के सारे बच्चे कहां से करेंगे, पोल सेक्शन जाकर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी करें। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोण का मान दिया होगा। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि कोण, जो भी कोण बने आमने सामने, जैसे मैं एक बताता हूँ। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, चलिए अभी आपको समझ में आ गया। देखिए, मान लीजिए ये हो गया लाइन, एक ये हो गया आपका लाइन, मतलब एक रेखा। तो ये हमको नहीं पता है, ये नहीं पता कि ये कितना डिग्री का है, बस हमको इतना से मतलब है कि ये वाला जो है, ये वाला जो कोण है अपने सामने वाले कोण के बराबर होगा। उसी तरह जो है ये वाला जो कोण है, इस कोण के अपने सामने वाले कोण के बराबर होगा। ये जरूरी नहीं कि इसका आपको हमेशा इसका माप पता हो, इसका डिग्री पता हो। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सामने वाले कोण जो होते हैं, आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हमको ध्यान देना था, यहाँ पे हमको ध्यान देना था कि कोण क्या दिया है, कोण ए दिया है और कोण बी दिया है। देखिए अगर हम लोग कोण बी को देखते हैं, चलिए कोण बी हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका सामने वाला कौन सा है, इसका सामने वाला ये है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो कोण है, इतना कोण इसका ज्यादा हो जा रहा है, इतना कोण इसका ज्यादा हो जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या ए बी के बराबर होगा, ए कोण बी के बराबर होगा? ए बी के बराबर नहीं होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा। यानी जब ए बी के बराबर नहीं हो रहा, यानी आमने वाला सामने वाला कोण एक दूसरे के, मतलब आमने सामने वाले कोण जो है एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहे, तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे? ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहलाएंगे, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया उनको मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया उनको फिर से बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, आप कोण बी को ध्यान दीजिए। देखिए कोण बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसके सामने वाला कौन सा होगा, इसके सामने वाला ये होगा। तो देखिए ये जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। लेकिन कोण ए जो है इसमें देखिए, इतना जो कोण है, इतना जो कोण है, ये इतना कोण जो हो गया, ये ज्यादा हो गया है। अगर ये कोण नहीं रहता, अगर ये ऐसा रहता, ये ऐसा रहता, एक ये हो गया रेखा, एक रेखा ये हो गया, अगर ये ए, अगर ये बी ये रहता और ए सिर्फ इतना रहता, ए सिर्फ इतना रहता, तब ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते। लेकिन यहाँ पे ए कितना हो गया है, यहाँ पे ए जो है इतना परसेंट, इतना कोण जो है बढ़ गया है। यानी ये जो है ए जो है बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। अब लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण क्यों नहीं है, क्योंकि ए जो है बी के बराबर नहीं है, ये जो है बी के बराबर नहीं है। मतलब कि जितना बी का कोण का माप होगा उतना माप ए का नहीं है, क्योंकि ए का माप जो है बी के कोण से ज्यादा है। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। यानी यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर और करेंगे। वे क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे है, इसका भी आपको आंसर कहाँ करना है, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। किसी बच्चा को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, सारे सारे बच्चे आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, सारे सारे बच्चे आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। अभी भी जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, वे चैट बॉक्स में क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अभी भी जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आया, वो चैट बॉक्स में एल लिखेंगे, बाकी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे।
कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे सर बच्चे कहां से करेंगे, पोल सेशन लगा करेंगे। मैं फिर से तब तक रिपीट कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने बताया है कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का कोण जो होता है वो बराबर होता है, आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए 10 सेकंड का टाइम लेते हैं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी बना ले। चलिए 10, 9, 8, सारे के सारे बच्चे बनाएंगे और सारे बच्चे आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, कहाँ था मैं, हाँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बहुत बच्चे बच गए हैं पिछले की तुलना में, पिछले क्वेश्चन बहुत बच्चों ने आंसर दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे अभी नहीं दे पाए हैं। ठीक है, मैं सभी बच्चे से बोलना चाहता हूँ, सारे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दें, जल्दी जल्दी दें आंसर इस क्वेश्चन का। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अब अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, सरल प्रश्न क्यों था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर दो रेखा एक दूसरे को कट गए, देखिए यहाँ पे एक रेखा ये हो गया और एक रेखा आपका यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, जब भी कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का कोण, देखिए ये एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 135 डिग्री का। तो ये आमने सामने कोण हो गया, ये आमने सामने कोण हो गया। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं, यानी आप बोल सकते हैं कि एक्स जो है किसके बराबर है, एक्स जो है आपका 135 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने का कोण जो होता है बराबर होता है। तो यानी किसके हिसाब से ये है, तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से है, बहुत बढ़िया, मतलब कि अधिकतर बच्चों का आंसर जो है सही। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, बी जो है सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, यानी अगर यहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। और सारे बच्चों को शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको क्या करना है, साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलना है, साथ साथ क्या करना है आपको, नोट्स बनाते चलना है। सभी बच्चों को साथ साथ क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। बहुत बढ़िया, गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ। अब आप पूछिए क्यों ऑफ कर देता हूँ, तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चे स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ और मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। सभी बच्चे इसका नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स इसका बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक है कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये होता क्या है, चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए रैखिक कहाँ से आया होगा, रैखिक आपका आया होगा रेखा से। ओके, और जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था युग्म मतलब क्या होता है, युग्म मतलब होता है पेयर, या इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पेयर या जोड़, मतलब जहां जहां दो कोण आते हैं वहां वहां युग्म आता है, जहां जहां दो कोण आता है वहां वहां युग्म आता है, पेयर आता है, पेयर आता है आपका जोड़ा आता है। ठीक है, और रैखिक मतलब क्या हो गया, रेखा। ठीक है, यानी अभी हम लोग समझेंगे कि ये जो कोणों का रैखिक युग्म है यहाँ कहीं ना कहीं रेखा से संबंधित होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जोड़ा से संबंधित होगा, पेयर से संबंधित होगा, युग्म से संबंधित होगा। अब ये होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यदि दो आसन्न कोणों का, देखिए क्या लिखा है, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं, वे कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो पहले यहां पे देखते हैं दो कोण, देखिए एक कोण ये हो गया एक्स डिग्री और एक कोण हो गया आपका वाई डिग्री। यानी जब दो आसन्न कोण को जोड़ने पे अगर आपके पास 180 डिग्री आ जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, वे रैखिक युग्म बनाते हैं या रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आया होगा आपके पास दिख रहा होगा, आसन्न कोण। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था आसन्न कोण क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि सारे बच्चे, जो बच्चे आज नया ज्वाइन हुए उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आसन्न कोण,
और ये क्या क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोर कोई बनाता है, एक ये हो गया, एक ये कोर हो गया, एक ये कोर हो गया, ठीक है, ये हो गया ए ओ बी सी। तो मैंने यहां बताया था कि आसवन कोर क्या कहलाते हैं, तो आसवन कोर जिनके पास उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा हो और जिनके पास उभयनिष्ठ शीर्ष हो। और क्या बताया था, उभयनिष्ठ शीर्ष पर क्या बताया था कि जो कोण है वे कोण जो होना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख होना चाहिए, ये उभयनिष्ठ भुजा के सम्मुख होना चाहिए, सम्मुख स्थित होना चाहिए, ये बताया था, तीन कंडीशन बताया था। ठीक है देखिए, तो यहाँ पे एक कोण मान लेते हैं, एक कोण ये हो गया आपका कोण वन, ये हो गया आपका कोण टू। तो देखिए यहाँ पे आपका उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, तो कोण टू का भी उभयनिष्ठ भुजा वो भी है और कोण एक का भी उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है वो भी है। तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है वो भी है, कोण टू का भी शीर्ष कौन सा है कोण टू का भी शीर्ष ओ है, कोण एक का भी शीर्ष कौन है ओ है, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष का क्या हो गया ओ हो गया। और सम्मुख स्थित होना चाहिए मतलब जो कोण होना चाहिए सम्मुख स्थित होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि जो उभयनिष्ठ भुजा, जैसे ये उभयनिष्ठ भुजा है तो एक कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ होनी चाहिए तो दूसरा कोण उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन होता है तो उससे हम लोग आसन कोण कहते हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, इसका उभयनिष्ठ भुजा ये वाला है, इसका उभयनिष्ठ भुजा हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा हो गया, ये उभयनिष्ठ शीर्ष ये हो गया। और दोनों कोण देखिए वाई डिग्री एक तरफ है तो एक्स डिग्री एक तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका आसन कोण है, यानी ये आपका आसन कोण है, यानी दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वे क्या बनाते हैं, वे रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इससे भी एक आसान भाषा में, सरल भाषा में समझा रहे हैं। देखिए रैखिक बोला है, क्या बोला है यहाँ पे, देखिए यहाँ बोला है रैखिक, रैखिक युग्म, क्या बोला है रैखिक युग्म बोला है। रैखिक का मतलब होता है रेखा, रैखिक मतलब क्या होता है रेखा। और हम लोग रेखा कैसे पढ़े थे, हम लोग रेखा पढ़े थे कि एक सीधी लकीर, एक सीधी लकीर मतलब रेखा क्या मान लेते हैं, रेखा जो हो गया आपका एक सीधी लकीर हो गया, मतलब एक सीधी लकीर पे। और युग्म क्या है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर, पेयर मान लीजिए जोड़ा मान लीजिए, ठीक है, यानी एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। सही बच्चों को ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यानी एक सीधी लकीर पे दो कोण, देखिए यहाँ पे एक सीधी लकीर कौन सा है, देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए एक सीधी लकीर कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक सीधी लकीर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दो कोण कौन सा है, देखिए यहाँ पे आपका दो कोण ये दिख रहा है, एक कोण है एक्स डिग्री और एक कोण है आपका वाई डिग्री, यानी एक सीधी लकीर पे मान लीजिए आपका एक रेखा है या लकीर है, एक सीधी लकीर पे आपका दो कोणों का, एक कोण है एक्स एक कोण है वाई, यानी एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे क्या कहलाते हैं, वे रैखिक युग्म कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो बच्चे वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं फिर से बताता हूँ, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, आपको दो तरीके समझना है। पहला तरीका यह है कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रैखिक युग्म कहते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कैसे समझना है, कि एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों का योग, एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म पेयर कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है, मतलब इससे रिगार्डिंग हम लोग एक एक दो उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे बताएंगे, मान लीजिए यह चित्र वन है, सही बच्चे बताएंगे कि यह चित्र वन जो है रैखिक युग्म है, अगर ये रैखिक युग्म है तो आर लिखेंगे, अगर ये रैखिक युग्म नहीं है तो एन लिखेंगे। सारे बच्चे करेंगे, अगर ये रैखिक युग्म है तो आर लिखेंगे, अगर ये रैखिक युग्म नहीं है तो एन लिखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे बताएंगे कि ये रैखिक युग्म क्यों है, अगर जिन जिन बच्चों ने आर लिखा है वो बच्चे बताएंगे कि ये रैखिक युग्म क्यों है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए रैखिक युग्म क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सीधी लकीर दिख रहा है आपको, देखिए एक सीधी लकीर है और यहाँ पे देखिए दो कोण दिख रहा है, एक कोण दिख रहा है 80 डिग्री, एक कोण है आपका 50 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। तो दो एक सीधी रेखा है वहां पे दो कोण है, एक कोण है आपका 30 डिग्री
और एक कोण आपका 150 डिग्री। देखिए जब दो कोणों को जोड़ते हैं, एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं, उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, चलिए तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये दूसरी नंबर जो आकृति दी हुई है, मैं यहाँ पे दो लिख देता हूँ, दूसरी नंबर जो आकृति दी हुई है सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे ए का मान क्या होगा। यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो है रैखिक युग्म है, यहाँ बोल रखा है कि ये रैखिक युग्म है, सभी सभी बताएंगे कि ये ए का मान क्या होगा। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए कभी भी एक सीधी लकीर पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। तो सारे सारे बच्चे यहाँ पे ए का मान बताएंगे, सारे सारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, ए का मान बताएंगे। तो देखिए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, देखिए एक सीधी लकीर, देखिए एक सीधी लकीर है ये, तो टोटल का मान कितना होना चाहिए, टोटल का मान होना चाहिए आपका कोण कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और 180 डिग्री में देखिए एक क्या है 45 डिग्री, तो दूसरा आपको बताना है। तो क्या करेंगे, ये निकालना होता है क्या हो जाएगा, 180 में से क्या करेंगे 45 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जब माइनस कर दिया जाएगा 135 डिग्री, यानी एक मान कितना आएगा, एक मान आ जाएगा आपका 135 डिग्री, यानी सभी बच्चे सही बना रहे हैं, एक मान कितना आ जाएगा 135 डिग्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके गुण देखते हैं, क्या देखते हैं, इसे गुण देखते हैं। सारा का सारा गुण मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है, फिर भी मैंने एक बार लिखित रूप में आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे रैखिक कोण युग्म के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रैखिक कोण युग्म के युग्म, रैखिक कोण युग्म के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या होता है, सिंपल मैंने बता दिया था कि दो कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो देखिए वही लिखा है रैखिक युग्म के दो कोणों का योग सदैव कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये पहला। सभी बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे, मैंने बता भी दिया है कि रैखिक युग्म के जो दो कोण होते हैं उनका कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, चलिए ये दूसरा जो लाइन है, ये दूसरा लाइन जो है, ये दूसरा लाइन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे इसको स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये है क्या, चलिए मैं पहले बता देता हूँ फिर आपको यहाँ पे लाता हूँ। चलिए ये है क्या, दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ, देखिए एक होता है रैखिक युग्म, ठीक है, देखिए तो रैखिक युग्म के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि आपके पास एक सीधी लकीर होनी चाहिए, देखिए एक सीधी लकीर पे दो रेखा होनी चाहिए, देखिए एक सीधी रेखा हो गया, इस पे क्या हो गया दो कोण हो गया, चलिए एक कोण को मान लेते हैं 60 डिग्री और दूसरा कोण को मान लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री हो गया, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, यानी ये क्या है, ये आपका रैखिक युग्म है, क्या है ये आपका रैखिक युग्म है। तो आपको बताना क्या ये रैखिक युग्म है, तो क्या ये आसन कोण भी है, अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये आसन कोण है तो ए लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो एन लिखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये आसन कोण भी है, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये आसन कोण भी है, हाँ ये आसन कोण भी है, क्यों, क्योंकि आसन कोण के लिए देखिए एक आपको उभयनिष्ठ भुजा, देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा हो गया ये, और एक उभयनिष्ठ शीर्ष, देखिए ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, ठीक है, अब कोण जो होना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा का दोनों तरफ, एक तरफ एक कोण है दूसरे तरफ दूसरा कोण है, यानी ये आसन कोण भी है, यानी ये आसन कोण भी है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जितने के जितने रैखिक युग्म होते हैं, जितने के जितने रैखिक युग्म कोण होते हैं वो सारे के सारे आपके आसन कोण होते हैं, इसका मतलब ये है कि जितने के जितने रैखिक युग्म होते हैं वो सारे के सारे आपके आसन कोण होते हैं। क्या ये उल्टा भी होता है कि सारे के सारे आसन कोण रैखिक युग्म होते हैं, चलिए देख लेते हैं होते हैं या नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए एक मैं फिगर ऐसे बनाता हूँ, डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, चित्र, चलिए ये हो गया आपका 30 डिग्री और इसको मानते हैं 40 डिग्री, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये आसन कोण है, ये सेकेंड चित्र में बताएंगे क्या ये आसन कोण है, क्या ये आसन कोण है, अगर ये आसन कोण है तो ए लिखेंगे, अगर आसन कोण नहीं है तो एन लिखेंगे, सभी बच्चे आसन कोण है या नहीं है, चलिए बहुत बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया कि मैं बताता हूँ, देखिए ये आसन कोण है, क्यों है, देखिए क्योंकि इस वजह देखिए कि यहाँ पे किसका उभयनिष्ठ भुजा है, ये क्या इसका उभयनिष्ठ भुजा हो गया, और ये क्या है आपका ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया,
ये क्या है आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और जो कोण होता है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, देखिए एक कोण इधर है एक तरफ का, दूसरा कोण दूसरी तरफ है, इसका मतलब ये आसन कोण है, इसका मतलब ये आसन कोण है, इसका मतलब ये आसन कोण है। आसन कोण के लिए क्या देखते हैं हम लोग, आसन कोण के लिए सिंपल, आसन कोण के लिए सिंपल क्या देखते हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा, देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा है ये बीच वाला, और ये एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, और दोनों कोण क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होना चाहिए, है यानी क्या है ये आसन कोण है। सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे क्या ये रैखिक युग्म है, क्या ये रैखिक युग्म है, क्या ये रैखिक युग्म है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये रैखिक युग्म है। अगर रैखिक युग्म है तो आर लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे, सारे बच्चे बताएंगे हाँ नहीं है, क्यों नहीं है, सारे सारे बच्चे बताएंगे क्यों ये रैखिक युग्म नहीं है, सारे सारे बच्चे बताएंगे ये क्यों रैखिक युग्म नहीं है, हाँ क्यों नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, एक बच्चे ने बताया बहुत बहुत बढ़िया आंसर से बताया, देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान जो है 40 + 30 कितना होता है, 70 होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रैखिक युग्म क्या होता है, दो कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कितना होता है 180 डिग्री बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो 70 डिग्री है, इसी के वजह से ये जो है रैखिक युग्म नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि सारे के सारे आसन कोण जो है रैखिक युग्म हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे रैखिक युग्म जो है वो आसन कोण होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट सभी बच्चे को समझ में आ गया, अगर ये कंसेप्ट सभी बच्चे को समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है हाँ हाँ ठीक है, बस सारे बच्चे को समझ में आ गया क्यों इसका, क्यों ये रैखिक युग्म नहीं है। यहां से आपको एक चीज ध्यान देना था क्या, कि सारे के सारे रैखिक युग्म, सारे के सारे रैखिक युग्म आसन कोण होते हैं, लेकिन सारे के सारे आसन कोण रैखिक युग्म नहीं होते हैं। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या सभी के सभी रैखिक कोण, रैखिक युग्म के कोण आसन कोण होते हैं, लेकिन किंतु सभी आसन कोण जो है रैखिक युग्म कोण नहीं होते हैं। तो मैंने जो ये बना रखा है, सारे बच्चे इस पॉइंट को लिखने के बाद ये वाला फिगर, ये वाला आकृति बना लेंगे, ये वाला आकृति बना लेंगे, क्योंकि ये जब भी आपको दिखेगा आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे रैखिक युग्म आसन कोण होते हैं, लेकिन सारे के सारे आसन कोण रैखिक युग्म हो ये जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है चलिए। और तीसरी चीज जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि जब भी दो कोण मिलते हैं जिनका मान 180 डिग्री होता है, तो सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है कि जब भी दो कोण मिलेंगे और उनका मान अगर 180 डिग्री होगा तो वे एक सीधी रेखा बनाएंगे, वे एक सीधी रेखा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या है कि 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण भी बोलते हैं, मतलब सीधी कोण पे जितना डिग्री बनता है 180 डिग्री उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीधी रेखा। ठीक है, यानी रैखिक युग्म जो है हमेशा एक सीधी रेखा बनाते हैं, हमेशा क्या करते हैं सीधी रेखा बनाते हैं। ये तीन पॉइंट में किसी को भी कोई डाउट तो वो बच्चे एन लिखेंगे, और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं वो बच्चे वाई लिखेंगे, इस तीन पॉइंट में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट वो एन लिखेगा, अगर नहीं डाउट तो वाई लिखेगा। इन सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, बहुत बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, कौन सा प्रश्न है मैं बताता हूँ, प्रश्न ये आ रहा होगा कि हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, लेकिन अभी अभी आप ये भी बता रहे हैं कि रैखिक कोण युग्म का भी मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन रैखिक युग्म है कौन सा संपूरक कोण है, ये सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी मैं आपको अलग से एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ क्या क्या अंतर है दोनों में। ठीक है चलिए, पहले रैखिक युग्म बनाते हैं, चलिए एक रैखिक युग्म बना लेते हैं, तो देखिए ये हो गया रैखिक युग्म जिसमें ये मान लीजिए 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट रैखिक युग्म में क्या होता है, एक रेखा पे दो कोण होते हैं, देखिए एक रेखा पे दो कोण है, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो इससे हम लोग कहेंगे रैखिक युग्म। क्यों रैखिक युग्म कहेंगे, क्योंकि, क्यों रैखिक युग्म कहेंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा पे दो कोण, एक 60 डिग्री एक 120 डिग्री का मान कितना है, 180 डिग्री, तो इसे कहेंगे रैखिक युग्म। लेकिन लेकिन अगर यही अगर हमको संपूरक कोण बोलता तो उसमें क्या होता, देखिए उसमें क्या होता, ऐसे एक हो गया 60 डिग्री,
और एक बनाते हैं मैं इससे दूसरा कोर 120 डिग्री, अलग अलग, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग अलग कोर है। यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग कोर है, दो अलग अलग कोरों का, देखिए 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होते हैं, इनको बोलेंगे संपूरक कोर। इसको क्या बोलेंगे, संपूरक कोर। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे संपूरक कोर। यानी अभी 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 आपको समझ में आ गया होगा कि संपूरक कोर में क्या होता है। ये जरूरी नहीं है कि क्या होगा, वो एक सीधी रेखा पे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कोर जो है अलग अलग रेखा पे है, देखिए ये अलग रेखा पे है, ये अलग रेखा पे है। यानी संपूरक कोर में ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक सीधी रेखा पे होंगे, वो हमेशा एक सीधी रेखा पे होंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रैखिक युग्म होते हैं, जो रैखिक युग्म होते हैं, इनको हम लोग संपूरक कोण भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग संपूरक कोण भी बोल सकते हैं, इनको हम लोग संपूरक कोण भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग संपूरक कोण भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या संपूरक कोण को हम लोग रैखिक युग्म बोल सकते हैं? क्या संपूरक कोण को हम लोग रैखिक युग्म बोल सकते हैं? सभी बच्चे बताएंगे, क्या संपूरक कोण को हम लोग रैखिक युग्म बोल सकते हैं? अगर इसको रैखिक युग्म बोल सकते हैं संपूरक कोण को, तो सारे बच्चे, अगर हम लोग इसको रैखिक युग्म बोल सकते हैं तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे आर, अगर नहीं बोल सकते हैं तो सारे बच्चे लिखेंगे एन। संपूरक कोण में होता है दो कोणों का मान 180 डिग्री। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हैं? देखिए, सारे के सारे संपूरक कोण को रैखिक युग्म इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि रैखिक युग्म के लिए जरूरी है कि एक सीधी रेखा होनी चाहिए, एक सीधी रेखा पे दो कोण होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे संपूरक कोण में देखिए दो कोण अलग अलग हो सकते हैं, इसका मतलब सारे के सारे संपूरक कोण को हम लोग रैखिक युग्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रैखिक युग्म को हम लोग संपूरक कोण बोल सकते हैं। ये दो पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट तो चैट बॉक्स में एन लिखिए, नहीं डाउट तो वाई लिखिए। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप जब भी इस क्वेश्चन को पढ़िए, जब भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे रैखिक युग्म जो होते हैं संपूरक कोण होते हैं, लेकिन सारे के सारे संपूरक कोण रैखिक युग्म हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यही दो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न कोण होते हैं। तो आसन्न कोण क्या होंगे, जैसे मैंने बता दिया, देखिए एक रेखा पे दो होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, और दोनों कोण एक एक तरफ है, तो आसन्न कोण तो है, लेकिन इसमें तो आसन्न कोण है ही नहीं क्योंकि दोनों जो है अलग अलग रेखा पे है। यानी ये आपका पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रैखिक युग्म के बाद हमेशा आसन्न कोण होते हैं, लेकिन संपूरक कोण के पास आसन्न कोण हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा था, सेकेंड वाला जो मैंने अभी आपको बताया है, क्या कि सभी के सभी रैखिक युग्म, सभी के सभी जो रैखिक युग्म होते हैं, सभी के सभी जो रैखिक युग्म के कोर होते हैं हमेशा संपूरक होते हैं, लेकिन सभी के सभी संपूरक कोर रैखिक युग्म हो ये जरूरी नहीं है, ये रैखिक युग्म हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इन पेज का सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट लिया था इसको भी ले लेंगे, सभी बच्चे इसका नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ। इससे क्या होगा, कभी भी अगर आप इसका कंसेप्ट रिवाइज कीजिएगा तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा सब अच्छे से। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसे रिगार्डिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको समझ में आया कि नहीं। सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन जाकर करेंगे। मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कोरों का रैखिक युग्म कौन सा होता है? तो जब भी अगर आपको रैखिक युग्म देखना है तो आप क्या देखिए कि सीधी रेखा है या नहीं, सबसे पहला चीज क्या देखना है आपको, सीधी रेखा, जहां जहां सीधी रेखा होती है वही रैखिक युग्म होते हैं। रैखिक युग्म, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, कोई बच्चा चैट माइक ऑन नहीं करेगा, अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में बोलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में बोलिए। ठीक है, हाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कृष्ण नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इसके बाद मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर कभी क्लास नहीं कर पाइएगा आप।
कृष्ण नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा अगर आप फिर से माइक ऑन किए तो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो हैं आंसर दे दिया है और अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो हाँ, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया। जिन बच्चों ने अभी तक भी आंसर नहीं किया सारे से बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल सा सवाल था, सरल सा प्रश्न था। क्या प्रश्न था? प्रश्न था इनमें से कोरो का रैखिक युग्म कौन सा है। तो रैखिक के लिए क्या देखना है आपको, सिंपल रैखिक के लिए आपको देखना है सरल रेखा, सीधी रेखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कोई सीधी रेखा है नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे भी कोई भी सीधी रेखा नहीं है, ये ऐसे ही गलत हो गया। देखिए अब बहुत बच्चों के मन में ये हो रहा होगा ये सी ऑप्शन को लेके, ठीक है। देखिए तो ये देखिए ये भी सरल रेखा नहीं है। क्यों सरल रेखा नहीं है, देखिए ये क्यों है, देखिए कुछ ये कुछ का एंगल बना है, मतलब सीधी रेखा नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए को देखिएगा तो देखिए एक सीधी रेखा है, यानी सबसे पहले तो आप ऑप्शन ए से ही मतलब सीधी रेखा से ही इस क्वेश्चन को बना सकते थे कि जिसके पास सीधी रेखा है वो आपका रैखिक युग्म होगा, जिसके पास सीधी रेखा नहीं होगा वो रैखिक युग्म नहीं होगा। तो इसी तरह ये ऑप्शन सी ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन ए को देखते हैं कि एक सीधी रेखा पे दो कोण है, एक कोण है ए एक कोण है बी, यानी ये क्या हो गया, ये आपका रैखिक युग्म हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही दिया था, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। सभी के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, सही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, सही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात करना है, क्यों, क्योंकि एक रैखिक युग्म दिया हुआ है, एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, यानी जब एक सीधी रेखा पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये किससे बनेगा, ये आपका रैखिक युग्म से बनेगा। तो सारे सारे बच्चे करेंगे, मैं तब तक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। देखिए हिंट के रूप में क्या देता हूँ, यहाँ पे आपको एक सीधी रेखा दिख रही होगी, एक यहाँ पे आपको सीधी रेखा दिख रही है, एक ये देखिए एक सीधी रेखा है और एक क्या है यहाँ पे दो कोण है, एक कोण है आपके पास 1 डिग्री, दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण है आपका 152 डिग्री। यानी एक सीधी रेखा पे जब भी दो कोण बनते हैं दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे रैखिक युग्म दिया है, यानी एक कोण है 1 डिग्री, एक कोण है 152 डिग्री, दोनों को जोड़ने में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी एक्स का कौन सा ऐसा यहाँ मान रखेंगे जिसको जोड़ने पर कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। सारे सारे बच्चे आंसर सही करेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर कर दिया और सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या रख के देखते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले नीचे से रखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम 32 डिग्री रखते हैं, 32 डिग्री प्लस 152 डिग्री कितना होगा देखते हैं, जोड़ते हैं इसको तो 2 2 4 5 3 8, ये हो गया 184 डिग्री। यानी यानी आपका कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जाकर सभी बच्चे, ठीक है। यानी ये 32 डिग्री जो है आपका आंसर गलत हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, 30 डिग्री रखते हैं, देखिए 30 डिग्री प्लस 152 डिग्री तो ये हो जाएगा आपके पास 182 डिग्री, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 38 डिग्री रख के देखते हैं, देखिए 38 डिग्री प्लस 152 डिग्री, अगर इसको हम रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 डिग्री, लेकिन हमको तो चाहिए 180 डिग्री, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम किसको देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं 28 डिग्री को, 28 डिग्री प्लस 152 डिग्री, ये हो गया आपके पास 180 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, और यहाँ तक अगर कोई भी डाउट आपको तो आपको क्या करना है, आपको चैट बॉक्स में एन लिखना है, अगर नहीं डाउट है तो वाई लिखना है, सारे सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। नहीं डाउट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपका होमवर्क कौन कौन सा है। चलिए सभी बच्चों को आपके स्क्रीन पर होमवर्क दिख रहा होगा, प्रश्न वाली 5.1, सभी बच्चों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सभी बच्चों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करना है, किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को क्या करना है?